उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अपने हवाई दौरे पर जनपद मेनपुरी के कस्बा करहल पहुंची, जहां उन्होंने कस्बे के विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण किया और विद्युत सब स्टेशन पर कमियों के बारे में बारीकी से विद्युत कर्मियों से पूछताछ की। इस उपरांत उन्होंने सभी कर्मियों को दूर करने के लिए विद्युत कर्मियों को निर्देश भी दिए। इसके बाद वे कस्बा स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मेनपुरी के एसडीएम सदर, एडीएम मेनपुरी विद्युत अभियंता करहल व एसडीएम करहल बांटकर बातचीत की और बिजली की समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायत पर तत्काल निस्तारण करने के लिए आदेश दिया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में अब विद्युत की कोई समस्या नहीं है, लोगों को भरपूर मात्रा में उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। इसके बाद भी हमारी सरकार अधिक से अधिक बिजली देने के लिए प्रयासरत है। इसके बाद भी यदि किसी वक्ता की कोई समस्या है तो वह अपनी समस्या को लेकर टोल फ्री नंबर 1219 पर कॉल करें व शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा और कुछ कहा, जरा गौर से सुनिए, रिपीट। तो वह अपनी समस्या को लेकर टोल फ्री नंबर 1219 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने क्या कुछ कहा और जरा आप भी गौर से सुनिए। मन में दौरा रहा था, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है और ऊर्जा परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर स्वीकार, उनकी समस्याओं का अविलंब निस्तारण हो, ट्रांसफॉर्मर समय पर बदले जाए, रोस्टर के अनुसार सबको बिजली मिले, लोड बैलेंसिंग ट्रांसफॉर्मर की हो जाए, जैसे स्टेशन पर जो ट्रांसफॉर्मर है उसके फीडरों के हिसाब से उसका जो लोड है, अगर उसमें आवश्यकता है तो और ट्रांसफॉर्मर वहाँ स्थापित कर दिया जाए। तो हमने एमडी दक्षिणांचल को आदेशित किया है कि सभी जिलों में, जो दक्षिणांचल के जिले हैं, उनकी वो आने वाले एक दो दिन में समीक्षा करेंगे और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको पूरा करेंगे। कोविड के कारण थोड़ा हमारा जो गर्मी को लेकर जो अभियान रहता है वो हमारा विलम्ब हुआ उसको, और गर्मी के कारण आपूर्ति में थोड़ा व्यवधान भी आया क्योंकि लोड बढ़ा है। 2016 में 16,000 मेगावाट से पहले जैसे ही ऊँची थोड़ा बिजली की मांग बढ़ती थी तो बड़ी संख्या में फीडरों को बंद करना पड़ा। हमारी सरकार में लगातार पिछले 3 दिन से हम 23,000 मेगावाट से ज़्यादा जो डिमांड है उसको मीट कर रहे हैं। ये सब हमारे इंजीनियरों के कारण ही हो पा रहा है। और जहीं कहीं फॉल्ट होता है, ट्रांसफॉर्मर फूटता है या केबल जल जाता है तो उसको अवलंब ठीक करने का भी प्रयास करते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा उपभोक्ताओं को, 19 बार है, एक बार टोल फ्री नंबर है, आपूर्ति को लेकर, बिल संशोधन को लेकर, ट्रांसफॉर्मर को लेकर कोई भी समस्या है तो सबसे पहले 19 बार में शिकायत दर्ज कराएं, जिसकी मॉनिटरिंग हम लखनऊ स्तर पर करते हैं, एमडी स्तर पर भी उसकी मॉनिटरिंग होती है। जैसा कि शहरी क्षेत्र में 18 घंटे की लाइट के आदेश दिए गए थे, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे, जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील पर 20 घंटे, 22 घंटे, ये पूरा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। 18 घंटे आज मैंने समीक्षा की आप लोगों के सामने, सबके साथ सबसे बातचीत हुई है, थोड़ा आधी तूफान के कारण कहीं थोड़ी व्यवधान जरूर आया है लेकिन उसको ठीक करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आदेशित किया है कि जो रोस्टर है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिले, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक किसी भी गांव में अंधेरा ना रहे, ये हमारे जो दक्षिणांचल के एमडी हैं जो सुनिश्चित करेंगे, हमारे डायरेक्ट